माता जी ने आज्ञा दी है, तो मैं मेरे पिताजी जो बहुत धार्मिक थे, घर में रह के संतों के जैसे रहते थे, मुनि जैसे थे, शांति सागर हरदम कहते थे कि तुम, मेरे पिताजी बार बार उनके चरणों में गए और कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे घर में तुम अकेले हो, घर घर परिवार रखने के लिए कुछ नहीं, पांच पांच आपके चार बेटे और एक बेटी है, आपको मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो मेरे पिताजी ने सब नियम ले लिए, सब नियम ले ले, इतने छोटे छोटे बात होती थी कि हमें आश्चर्य लगता था कि ये पिताजी ने ऐसा कैसे निभाया। उम्र के 47 साल में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और ब्रह्मचारी जैसे घर में रहते थे, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रहता था, एक ही बार खाना खाते थे, शाम को दूध और फ्रूट लेते थे, आजन्म चोया रखते थे। गुरुदेव के पास चले गए और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र अभी 82 ईयर्स की हो गई है, 82 साल की हो गई है, मुझे संलेखना लेनी है। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारी आंखें अच्छी है, दिगंबर लोग संथारे को संलेखना कहते हैं, संलेखना, मुझे संलेखना लेनी है कि मुझे देह त्याग करना है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, शांति सागर महाराज ने, अभी ये वक्त नहीं है, तुम अच्छे हो, तुम पूजा कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, दिन में 3 बार सामायिक कर सकते हो, 1-1 घंटा तुम पद्मासन में बैठ सकते हो, तो ऐसी हालत में संथारा नहीं लेना है, न संलेखना लेनी है। तो उन्होंने नियम संलेखना दे दी। नियम संलेखना का मतलब ऐसा है कि उस दिन जिस दिन से नियम लोगे, उस दिन से 1-1 चीज़ का त्याग करना है। जिस दिन संलेखना उसने ली, उन्होंने आजन्म नमक का त्याग कर दिया कि उस दिन से नमक जिंदगी भर के लिए नहीं खाऊंगा। उसके बाद में अगले साल गए वापस गुरुदेव के, हर साल 6 महीने से जाते थे, एक नया नियम लेते। उसके बाद में ड्राई फ्रूट का त्याग कर दिया, उसके बाद में मीठी चीज़ का त्याग कर दिया। ऐसा त्याग करते करते करते, हरी का त्याग तो हरदम रहता था, हरी चीज़ वो हर दिन महीने में हार्डली 2-3 बार खाते थे, नहीं तो हरी का त्याग था। तो ये सब चीज़ें करते करते एक वक्त आ गया, 94 की उम्र हो गई, और गुरुदेव ने फिर अभी पिताजी ने मुझे हमको बुला के कहा कि देरा मेरा व्रत प्रभु पूरा हो गया, अभी 12 साल हो गए हैं। मगर वो सुनाई देते थे कान, उनके इतने उम्र में 94 की उम्र में उनको सिर्फ 4 दांत गए थे, बाकी दांत भी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी संलेखना लेनी है। मैंने कहा पिताजी आपकी तबीयत अच्छी है, हम गुरुदेव के पास चले जाएंगे और 1-2-4 साल का टाइम और मांग लेंगे। वो बोले नहीं, जो नियम लिया है वो नियम लिया है। और फिर उन्होंने हम सबको बुला कर कह दिया, उन्होंने जिंदगी भर कोई दवाई नहीं ली। आँख का ऑपरेशन हुआ, कैटरैक का ऑपरेशन हुआ, तो कैटरैक का ऑपरेशन उन जमाने में हम करते थे तो 3 दिन सो के रहना पड़ता था। तो बोले मैं सो के रहूँगा, अभी नियम था कि अभिषेक किए बिना, नहाए बिना कोई पानी का बूंद भी नहीं लेते थे। 3 दिन पूरा निरंकार निर्जल उपवास किया हॉस्पिटल में, और 4th दिन घर पर आए, डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं जा सकते, अभी ड्रेसिंग विसिंग बाकी है। वो बोले अभी नहीं रह सकता हूँ मैं, 3 दिन हो गए हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। 3 दिन मैंने मूर्ति के दर्शन भी नहीं किए भगवान के, तो मुझे जाना है। वो घर पे आ गए, नहा लिए मुझे न कहते हुए, और मंदिर में चले गए, मंदिर में जाके आए और फिर आके दूध ले लिया और खाना ले लिया। तो कहने का मतलब बहुत कठोर थे अपनी नियम में, और उन्होंने फिर हमको कह दिया कि मैं अभी कुछ नहीं लूँगा। तो हम सब घर पर गए और फिर उन्होंने 1-1 त्याग करते करते अल्टीमेटली लास्ट 8-10 दिन सिर्फ दूध और पानी 1 बार लेते थे, 1 गिलास दूध और पानी लेते थे। और फिर उन्होंने कहा कि अभी मुझे अंतिम लेना है। हम सब साथ में थे, रोज समाधि मरण सामायिक भक्तांबर स्तोत्र तत्वार्थ सूत्र का पाठ यह सब रोज चालू होता था, रोज दिन भर चालू रहता था, हम सब बैठ के करते थे। रात को उनको नींद नहीं आती थी तो रात भर भी हम समाधि मरण सुनाते थे उनको, और समाधि मरण सुनाने से वो बहुत शांत चित्त से रहते थे, पूरी कॉन्शियसनेस में थे। और उन्होंने अल्टीमेटली कह दिया मुझे बुलाकर कि डॉक्टर देख, मैंने अब जानो है पर अब गुड़ी पाड़ो है, 4 दिन से मैं गुड़ी पाड़वा का दिन गया तो घनो सुखो होई, गुड़ी पाड़वो यानी हमारो पुनर्जन्म, नयो साल चालू हो जाए, यो हमारो जूनो शरीर निकल जाए, इनमें कटतरी नवीन जन्म ले, तो गुड़ी पाड़वा का दिन मन जाओ नो। मैं कह कि डॉक्टर पप्पा थे कैसा ऐसा सोच है, था को ब्लड प्रेशर 40 है, नाड़ी का ठोका 30-40 चाल है, महाको शास्त्र कव कि आशा अवस्था में तो आदमी बेहोश होना चाहिए। मना आश्चर्य बाट रहे कि ते शुद्धि में कैसा है, पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मना गुड़ी पाड़वा का दिन जाओ ना, गुड़ी पाड़वा ने कैसे जा सकी, अभी इतनी तबियत इतनी सीरियस है हमारा दृष्टिकोण से, कभी भी अंत हो सके, कभी नाड़ी बंद हो सके। तो बोले नहीं, हो सकता है, मैं देखता हूँ। और वो नमन नाम कंटिन्यूसली ओम नमो सिद्धभ्या, ओम नमो सिद्धभ्या का जाप करते थे। और फिर अल्टीमेटली गुड़ी पाड़वा के दिन सुबह 7:20 पर
यानी सूर्योदय हो गया, उन्होंने कहा हमारे घर में मूर्ति थी, तो उन्होंने कहा कि कल्याण जा ऊपर, धर्म मेरा बड़ा भाई कहो कि ऊपर जाकर अभिषेक कर ले पटकन, और मैंने गंधोदक भगवान का मूर्ति को गंधोदक ला, दो चंद अपने हाथों से गंधोदक लिया, आँख को लगाया, चंदन लिया आपसे हाथों से, सर पे चंदन भी लगा लिया, उनको रोज चंदन लिए लगाने भी आया, वो घर के बाहर नहीं पड़ते थे भगवान के मूर्ति मंदिर में। और अल्टीमेटली 7:20 पे, वैसे तो उन्होंने सबका त्याग कर दिया था, एक सिर्फ धोती का कपड़ा बदन पे रखते थे, चटाई पे सोते थे, चटाई भी पिछले 3 दिन हटा दी थी, पूरे ज़मीन पे ही सोते थे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं, मेरा जब तक नश्वर शरीर नाड़ी चलती है तब तक मुझे कैसे सुलाना है, और जैसे नाड़ी बंद हो जाए मुझे कैसे सुलाना, ये बातें तक हमको कही, क्योंकि हमें कोई ये बातें मॉडर्न डॉक्टर होने के मानते हमें मालूम नहीं थी। और अल्टीमेटली ओम नमो सिद्धेभ्यः करते उन्होंने आंखें बंद कर ली। हर्ष हर्ष, मैंने जे, जे। इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था अंग्रेजी में, द आर्ट ऑफ डाइंग, की मृत्यु की कला, वो लंदन टाइम्स में आया, और वो लंदन टाइम्स का आर्टिकल करीबन करोड़ों लाखों लोगों तक चला गया देश विदेश में। उसके बाद में मुझे करीबन 1300-1400 मेल आए कि वी हैव सीन हाउ द डेथ कैन बी ब्यूटिफुल, कि मृत्यु भी कितना सुंदर हो सकता है, ये आपका आर्टिकल पढ़कर हमने सुना। और मैंने कहा कि हमारे मृत्यु महोत्सव, मेरे पिताजी ने मृत्यु महोत्सव किया, और हर एक श्रावक का यही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा करूं कि मैं मेरा मृत्यु महोत्सव कर सकूं, क्योंकि यह नश्वर शरीर तो छूटने वाला है, कभी ना कभी छूटने वाला है, छूटने वाला है। माता जी आपके चरणों में आके मुझे बहुत खुशी होती है हरदम, और नई प्रेरणा मिलती है। और साधु संतों के चरणों में आकर हम कुछ ना कुछ छोटा छोटा नियम ले ले, छोटा छोटा, ये संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है, संयम ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये छोटे छोटे नियम लेकर हम आगे चलते रहे तो बहुत आनंद आता है। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी उम्र अभी 79 है, 80 हो जाएगी अभी अगले साल, मगर ये उम्र में भी मैं 18 काम कर सकता हूँ, पेशेंट की सेवा कर सकता हूँ, जीवदया का काम कर सकता हूँ, पशु भर्ती का काम कर सकता हूँ, शाकाहार का काम कर सकता हूँ, और जहाँ कोई संत बुलाए वहाँ चला जाता हूँ। वैसे हफ्ते में मैं 3 दिन ही प्रैक्टिस करता हूँ और 4 दिन यही काम करता हूँ। और जैसे माता जी ने बताया, जो कुछ कमाता हूँ 50% इसमें, 50 साल से इसीलिए लगाया, इसलिए किसी के पास से एक पाई भी दान लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा ही पैसा मैं सब इसमें खर्चा करता हूँ। बहुत आनंद आता है, इसीलिए लोग हंसते हैं कि आप फ्लैट में रहते हो, आपका कोई फार्म हाउस नहीं, आपका कोई बड़ा बंगला नहीं, आपके पास कोई इम्पोर्टेड बड़ी गाड़ी नहीं, तो मैं कहता हूँ मैं इतना खुश हूँ ये छोटी छोटी बातों में, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है आनंद के लिए। 24 घंटा आनंद रखने के लिए कला जैन धर्म हमें सिखाता है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैनी हैं, हम जैनी हैं, हम जैनी हैं। आपके चरणों में त्रिवार वंदामी, त्रिवार वंदामी, त्रिवार।